जब भी कोई बड़ा क्राइम होता है तब सीआईडी हमारे बचाव के लिए आती है, पर छोटे क्राइम का क्या? तो उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट है, चलो उसके बारे में बताता हूँ। अब जीएम सीआईडी से हमें पता चला है कि आपके घर से एक चीज चोरी हुई है, उसी के सिलसिले में हम आए। हाँ, पर आपको कैसे पता चला? हमें ऊपर से ऑर्डर आया और आपका पता भी मिला है। लेकिन मुझे कोई केस वगैरह नहीं करना है, आप चले जाइए। ऐसे कैसे? केस तो तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन मुझे कोई केस नहीं करना है, मैंने दूसरी चप्पल खरीद ली है। बात सिर्फ चोरी की नहीं है, बात अब इंसाफ की है, तुम्हारे और सीआईडी की इज्जत की। लोगों का सीआईडी पर से भरोसा उठना नहीं चाहिए। तू दे या ना दे, ये केस हम लेकर रहेंगे। जा अभिजीत, काम पे लग जा, एक भी सबूत छूटना नहीं चाहिए। एसीपी सर, ये कोई साधारण केस नहीं लग रहा है, आग लग रही है बदले की। वो पैसे? सर यहाँ पे सिर्फ एक चप्पल चोरी हुई, अगर दो चप्पल चोरी हुए थे तो किसी की जरूरत होती, ये बदला है सर, बदला। अभिजीत, पूरे इसकी अच्छे से तलाशी करना, एक भी सबूत छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? सर यादें को कुछ मिला है, इसका मतलब जानते हो अभिजीत, ये जिसका भी बाल है वही असली गुनेगार। जल्दी से जल्दी डॉक्टर सारुंकी के पास भेज दो, हमें कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। हाँ रेसिपी आज कल आया हूँ मेरे। और अभिजीत दे दो सर का तोहफा। हाँ साहब जी, कहाँ पे? न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ साहब जी। मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। आपकी बीवी की कसम साहब जी, हफ्ते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। एक काम था तेरे लिए। दो सेकंड साहब जी, दो के बात करता हूँ। अब बताओ साहब जी। हाँ गौर से सुना। सर हमें डिटेल मिल जाएगी पूरी, ठीक है फिर चलते हैं। अरे हाँ सर, सारिका को मेरा हाय कहना। मेरा भी कहना, रिप्लाई नहीं दे रही आजकल। ठीक है मिलते हैं फिर। हाँ बोल छोटा छतरी, खबर पक्की है ना? यही तीनों है ना? अच्छा ठीक है फिर। हेलो एसीपी सर, हमें तीनों कटिंग वालों का पता मिल गया है, ठीक है बुलाता हूँ। गौर से देखो इस बाल को,
कभी अगर ये बाल वाला आपके सैलून में आया होगा तो बताओ हमें। सर ये बाल वाला मेरा कस्टमर नहीं है। अच्छा, किसी को तो पता होगा। याद करो, याद करने की कोशिश करो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ पता है, जल्दी से बता दो। जानते हो इस बाल वाले के बारे में? लगता है मैंने इस बाल वाले को मेरे सैलून में देखा है, कई बार देखा है। ये हमारे दुकान से तो हमेशा आता है। याद करने की कोशिश करो, कौन है वो? वो एक बच्चा है सर, छोटा बच्चा है। उसका नाम पता नहीं सर, पर चेहरा उसका याद आ सकता। स्केच बना सकते हो? हाँ सर, स्केच बना सकते। अभी जी स्केच वाले से बुला कर स्केच तो सुन लो जा सकते। हमें वो मिल गया है, जल्दी से चले आओ। सर मैं डॉक्टर सारिका के साथ हूँ, एक काम करता हूँ दया को भेजता हूँ। आप कुछ भी करो, मैंने ऐसे कैसे नहीं बताएगा। तू क्या तेरा बाप भी बताएगा? बता दो सर। जब हम दोनों चलते हैं साले लोग बहुत जलते हैं। अबे देखो, वाह क्या मस्त गाड़ी है। तू मेरा सच्चा दोस्त है तो मुझे ऐसी गाड़ी ला कर दे। अगर तेरे मेरी दोस्ती के बीच वो दीवार बनकर आ रही है तो वो दीवार तोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। तुझे भी वैसी गाड़ी ला के दूंगा दोस्त। तेरे दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये पूरी दुनिया याद रखेगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, तुम्हारी दोस्ती को नहीं तुम्हारी चोरी को याद रखेगी।